लड़का जो था ना, वो तो बल्कि अपना मोटा पेट फुला देता था शादी के बाद। बोला जाता था कि ये उसकी खुशी है, मतलब लड़की अच्छी आई है तो इसलिए वो खुशी के मारे फूल गया है। और लड़की पे क्या मुसीबत होती थी कि 9 महीने के अंदर उसको पैदा करना पड़ता था एक काका। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुहाना है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में गर्मियां शुरू हो गई है, और इसलिए भी सुहाना है क्योंकि मेरे पास आज कंटेंट नहीं है कोई। सच्ची कह रही हूँ, कोई कंटेंट नहीं है। ढूंढ रही हूँ कोई कंटेंट, तब से ना मैं इधर उधर आर्टिकल पढ़ रही हूँ, ये पढ़ रही हूँ, वो पढ़ रही हूँ, और मेरा बेटा मुझे सजेस्ट भी बहुत सारी चीजें कर रहा है जो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही है। तो मुझे ना याद आ गई, मुझे याद आ गया एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है मेरे पास 90s का। दोस्तों जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है 90s में जो शादी होती थी और 21 22 में जो शादी होती है, वो कितना चेंज है। तो चेंज के बारे में बताती हूँ, क्या मजा आएगा आपको सुनने का, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। और आज के लोग जो शादी करने जा रहे हैं उनको तो बहुत ही आनंद आएगा सुनकर कि अच्छा हुआ हम उस जमाने में पैदा नहीं हुए। दोस्तों उससे पहले ना मैं अंदर चलती हूँ, आराम से बैठती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। चलो आप भी आओ मेरे साथ अंदर। तो दोस्तों मैं कंफर्टेबल होकर बैठ गई हूँ अपने बेडरूम में, और आप पर हम बतियाते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी 90s में जो शादी होती थी और अभी 22 में जो शादी होती है उसमें क्या फर्क है। दोस्तों 90s की शादी यानी मेरी शादी 90s में हुई थी, उसके हिसाब से लड़की पराया धन है, लड़की की शादी कर देनी चाहिए और लड़की को अपने ससुराल में खुश रहना चाहिए। वो जिस हाल में रखे वो उस हाल में खुश रहे, और मायके में आए 2 4 दिन रहे, हंसे खेले और अपने घर चले जाए। और उधर ससुराल वाले क्या सोचते थे, कुछ दिन तो बहू की आवभगत होती थी कि बहू आई है, नई बहू आई है, उसके बाद नौकरानी, वो भी फोकट की। वो इसलिए फोकट की क्योंकि घर तो उसका अपना है, लड़के के जितने भी रिश्तेदार हैं, माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ, भतीजा भतीजी, मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं, वो लड़की को मानना है कि वो उसके माँ बाप से भी बढ़कर है। यानी कि ससुराल के जितने भी रिश्ते उनको रखा जाता था ऐसे, और मायके के रिश्ते को रखा जाता था ऐसे। दोस्तों और लड़की को ये सब मानना पड़ता था। लड़की सुबह उठ के जो काम में लगती थी शाम तक वो काम ही करती रहती थी, थकती नहीं थी, मतलब उसे हक ही नहीं था ऐसा बोलने का कि वो थक गई है। तो ये सब करना पड़ता था, और लड़के की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो वही सुबह उठता था, नाश्ता उसको मिलता था, अपना बैग उठाता था, नौकरी करता था, नौकरी पे ऑफिस चला जाता था, अगर बिजनेस करता था तो अपने बिजनेस में चला जाता था, और शाम को आता था 6 7 बजे या 9 10 बजे, वही लड़के की आवभगत होती थी। उसके बाद जब वो रात को सोता था तो जो बहू होती थी या उसकी बीवी जो है ना, उसका ख्याल रखती थी क्योंकि वो उसकी बीवी का फर्ज है। यानी किसी किसी घर में तो ये कहा जाता था कि लड़का जो है वो इसको बहू को लाया क्यों है, बहू को लाया है इसलिए है, तो ऐसे भी बोला जाता था। इसके अलावा लड़का जो था ना, वो तो बल्कि अपना मोटा पेट फुला देता था शादी के बाद। बोला जाता था कि ये उसकी खुशी है, मतलब लड़की अच्छी आई है तो इसलिए वो खुशी के मारे फूल गया है। और लड़की पे क्या मुसीबत होती थी कि 9 महीने के अंदर उसको पैदा करना पड़ता था एक काका। काका, काकी नहीं, काकी अगर हो गई ना तो लड़की में बहुत बड़ा नुक्स है। तो आज का जमाना बदल गया, आज का 21 22 चल रहा है, इसमें क्या है, इसमें लड़का लड़की ने लव मैरिज करनी है, दोनों पहले से डिसाइडेड होता है कब हमने शादी करनी है, कब हमने बच्चा पैदा करना है, कब हमने हनीमून मनाने जाना है, कहाँ हमने घूमना है। तो यहाँ पर अब बाकी लोग सारे हो गए हैं बेकार, यानी बाकी सब बेकार, सास ससुर बाकी रिश्तेदार कोई वैल्यू नहीं है। लड़कियों, लड़का और लड़की दोनों बराबर का कमाते हैं, बराबर क्या उनको काम आता है, कुछ कुछ काम वो कर लेता है, कुछ काम वो कर लेता है, तो इस तरह से जिंदगी चली जाती है। अब से होती है ना, जो सासे और बहुए, जो सासे हो गई है ना, अब उनको लगता है बहुओं से डर। अब इतना सारी गाथा मैंने गा दी, उसमें ना मैं अपना दुखा रो रही हूँ। 90s में मैं डरू सास से और 22 में मैं डरू बहू से, हे भगवान क्या होगा मेरा। ग्रेइंग शुरू हो गई है, सोच रही थी जाके कलर ले आऊं, तो वही लेने जा रही हूँ। ये भी क्या प्रॉब्लम है ना, वाइट हो जाए तो काले करो, फिर वाइट हो जाए फिर काले करो, फिर वाइट हो जाए फिर काले करो, सोच रही हूँ वाइट ही करूँ। कलर ट्यूब लेकर ना घर पहुंच चुकी हूँ, थोड़ी सी दूर था जहाँ पर मेरे को जिस स्टोर से लेना था। तो दोस्तों अब मैं अपने बालों को टचअप करती हूँ, ये दिख रहे ना काले काले, काले नहीं है, 60 to 70% सारे वाइट है। लेकिन वाइट का मतलब ये नहीं है कि मैं बुजुर्ग हो गई हूँ। वाइट का मतलब है
जिंदगी का एक्सपीरियंस ज्यादा है, इंटेलिजेंस ज्यादा है, क्योंकि आजकल तो हो रहे हैं 16 से लेके 21 से लेके 22 से लेके 25 से लेके 28 से लेके 30 तक सबके बाल वाइट है। तो अगर मेरे हो गए तो क्या हो गया, मेरा तो एक्सपीरियंस भी है तो मैं ज्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि मेरे पास इंटेलिजेंस भी है और एक्सपीरियंस भी है। आज आरती मैडम तो है नहीं है, खुद करना पड़ेगा या तो आरती की वेट करनी पड़ेगी। सोच रही हूँ खुद ही कर लूँ, हाथों पे ग्लव्स डाल लूंगी, अर्बन ग्लैब से क्या किसी को बुलाऊं। हाथों पे हमने कवच डाल लिया है और करने लगे हैं डॉक्टर साहब खुद का ऑपरेशन खुद ही। ये उठाया कलर और ये लगा लिया, ऐसे पीछे किया, ये उठाया कलर और पीछे पार्टिंग में, हेयर पार्टिंग उसमें लगा लिया। तो दोस्तों इतना आसान नहीं है ये सब करना, लेकिन मेरे को खुद करना है तो मैं कर रही हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद के लिए खुद ही सफिशिएंट हूँ। तो दोस्तों देखो मैंने इतनी मुश्किल से आपके लिए कंटेंट ढूंढा है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना मुझे पसंद आएगा, दोनों तरफ से बराबरी होनी चाहिए, है ना। तो इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, लव यू ऑल।